टेक्निक्स फॉलो किए थे और घर पे प्रैक्टिस किए। तो अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि आपको अकेले में टेक्निक फॉलो कर लेते हो लेकिन बाहर नहीं जा पाते, ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको डर लगता है बोलने में, एक हेजिटेशन का कॉम्प्लेक्स है, तो उन सिचुएशन में टेक्निक फॉलो नहीं हो पाती, या फिर वहाँ कैसे फॉलो करें? अगर कोई पहले अपने मन में बैठा ले कि मुझे टेक्निक यूज़ नहीं करना, तो वो कभी यूज़ करेगा नहीं, ठीक है, पहली चीज़ हो गई जो इस तरह के लोग होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लोग यूज़ करना चाहते हैं टेक्निक, तो जाते हैं, लोगों को फेस करते हैं, अननोन लोगों को फेस करते हैं उनके सामने, लेकिन वहाँ भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो वापस अपने जो पुरानी स्टाइल है उसमें आ जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए? देखो, कोई भी जो टेक्निक होती है, जब तक उसका हम बार बार यूज़ नहीं करते लोगों के सामने, तो उतने अच्छे से आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपका पब्लिक स्पीकिंग होगा, तो आपका जो पहला स्पीकिंग होगा उसमें हो सकता है कि आप शायद सब भूल जाएं और अपने पुराने स्टाइल में आने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहली जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग होगी उसमें होगा कि आप सिर्फ 10-20% ही शायद यूज़ कर पाएं, लेकिन उसके बाद जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग होगी तो उसमें हमें कोशिश करना है कि वो जो 10-20% जो हमने यूज़ किया उसको थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। और वो कैसे होगा? जब भी आप लोगों को फेस करें तो पहले 5 मिनट थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ब्रीदिंग की, ठीक, उसके बाद फिर 5 मिनट सेल्फ टॉक करके जाके लोगों को फेस करें। और सेल्फ टॉक में क्या करें कि मैं जाके अपनी टेक्निक को 100% यूज़ करूँगा, मेरे बारे में सामने वाले जो भी सोचे आई जस्ट डोंट केयर, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, पूरा ध्यान मैं अपने टेक्निक में रखूँगा। तो उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है टेक्निक यूज़ करने में, क्योंकि आप सेल्फ टॉक करके जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको सेल्फ टॉक और 5 मिनट प्रैक्टिस करके लोगों को फेस करना है, ताकि आपकी जो टेक्निक वो माइंड में स्टोर करें। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी पहले बताया था कि बार बार लोगों को फेस करना, ये पहली बार भी यूज़ नहीं कर पाए स्पाइन, फिर से करेंगे पब्लिक स्पीकिंग, फिर से उन सिचुएशंस को फेस करेंगे और वहाँ फिर से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 फिर वो आपके हैबिट में आने लगेगा। अगर पहली बार यूज़ नहीं कर पाए, टेक्निक यूज़ नहीं हो पाई, तो ऐसा सोच के नहीं बैठ जाना यार मुझसे हुआ ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इंसान फेल होता ही है, उसको बार बार ट्राई करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप जान बूझ के इग्नोर कर रहे हो, आप लोगों को फेस कर रहे हो, अपनी बातों को रख रहे हो, स्टार्टिंग में आपने टेक्निक यूज़ किया, बीच में भूल गए, ठीक है, जब याद आया फिर से वापस टेक्निक में आ, ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हो आपको याद भी आ रहा तभी आप यूज़ नहीं कर रहे, जब याद आए वापस टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट कर दो, फिर भूलोगे फिर याद आया, फिर भूलोगे फिर याद आएगा, तो ऐसे करते करते आपके माइंड में फिर टेक्निक बैठने लगेगी। टेक्निक टेक्निक तो ऐसा है कि आपको लंबे टाइम तक तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप हमेशा ऐसे नहीं भूलोगे, जैसे ज़्यादा सांस का यूज़ करना, धीरे धीरे सांसों का गैप कम होता है, थोड़ी बहुत स्टैमरिंग होती रहती, थोड़ी बहुत मुझे भी हो जाती है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग हैबिट, 95-98% हमारा काम होता है कि इसको हम उन सिचुएशन में कंट्रोल कर लें जहाँ सबसे ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, ये हमारा काम है, इतना ही हमें अपने आप को ट्रेन करना है। तो कभी भी थोड़ी बहुत स्टैमरिंग हो तो उसको माइंड नहीं करना, वैसे भी आपको प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेगी, तो फिर आप लोग माइंड करना भी छोड़ दोगे, हो गए फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान करना। चलिए फिर से स्टार्ट दीजिए।